आज फरीदाबाद में पूर्वांचल समाज का समर्थन मिला। इस दौरान फरीदाबाद के अलग अलग जगह से आए पूर्वांचल के लोगों ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता महेंद्र प्रताप को समर्थन देकर कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। लोगों को संबोधित करते हुए चौधरी महेंद्र प्रताप ने कहा कि मैं पब्लिक ऑन डिमांड पर मैदान में आया हूं। जनता आज भ्रष्टाचार से तरस होकर बदलाव करना चाहती है। बदलाव कब आता है? जब लोग निराश हो जाते हैं, लोग पीड़ित होते हैं, लोगों की अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो स्वाभाविक है कि बदलाव का रास्ता खुल जाता है। आज वही स्थिति है वास्तविक रूप में कि आप शुरू से बहुत कुछ मैंने आपको पहले भी कह दिया कि दो बार अलग अलग उसमें जुमलेबाजी चल गई, हमेशा नहीं चला करती। पुराने बुजुर्ग कहा करते हैं, दो बार हो जाए लेकिन तिरबाछा नहीं होती। तिरबाछा एक शब्द है पुराने गांव देहातों की, कि तिरबाछा नहीं होनी चाहिए और तिरबाछा होगी भी नहीं। इसलिए लोग बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम कुछ भी कहें, देश की आर्थिक दृष्टि से मैं कोई इतना बड़ा गणितज्ञ नहीं हूँ, अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन कर्जे की स्थिति जीडीपी का, अब जैसे में तो मेरे पास आंकड़े मैं कंफर्म नहीं, लेकिन जब मुझे प्राप्त हुए हैं, अगर ये है तो बहुत बड़ी भयानक स्थिति है। जीडीपी का 80% से ज़्यादा अगर लोन हो तो स्थिति अच्छी नहीं है। रुपये की कीमत कहाँ पहुँची हुई है, याद करिए, पेट्रोल डीजल एक ज़माने में $130-135 का एक बैरल आता था, तब भी मनमोहन सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 60-62 और 50 से ज़्यादा नहीं होने दी थी, जहाँ तक मुझे याद है। गैस की कीमत 400 रुपये कब से, जब से गैस शुरू हुई 10 साल में इतना बढ़ना, इतना महंगाई, क्या 100 पे है जबकि बाहर से कितना सस्ता मिल रहा है, रशिया से हमें डिस्काउंट पर मिल रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा, प्राइवेट कंपनियाँ ये ले रही है। कहीं मुझे पहला देश लगता है कि शायद आज अगर मैं गलत ना हूँ, एयर सर्विस है भारत और उसकी अपनी, आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की एयर सर्विस अपनी है, प्राइवेट तो हैं, भारतवर्ष की नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का एक अपना महत्व है, हो एक मात्रा में, ये गलत चीज़ है। GST है, फलाना है, डिमका है, तुम देख रहे हो, खाने पे भी लग रहा है, तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज आर्थिक दशा वो अच्छा नहीं माना जा सकता। जनता का प्यार मिल रहा है, लग रहा है कि इस बार जनता जिस तरह से सपोर्ट कर रही है आपको और आपको, देखिए भैया मुझे भी और विकल्प के तौर पर कांग्रेस को देख रही हूँ। मैं तो अभी बताते रहूँ, पार्टी का फैसला हो जाएगा। मैंने कह दिया कि पार्टी अगर भाई मुझे बढ़ाएगी तो मुझे जनहित में, पार्टी हित में मैं आऊँ। तो देरी हो रही है टिकट को लेकर, देखो ये तो पार्टी का वो है, उसके बहुत कारण हो सकते हैं। दूसरा ये है कि जिन स्टेट्स में पहले हो रहे हैं उनको पहले निपटा रहे हैं, यहाँ लेट होने हैं तो ये भी कारण हो सकता है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है, एक दो उनको खिंचाव भी हो सकता है, बाकी हो जाएगा। आजकल में कोई ऐसी बात नहीं है, पर जनता जागृत हो रही है, ये सही है। तुम तो यहाँ तो थोड़े ज़्यादा शरीफ लोग हैं फरीदाबाद में, तो यहाँ उन्हें ठीक चेहरे की तलाश ज़रूर करते हैं, लेकिन उधर हरियाणा में देखो क्या हालत हो रही है। वहाँ लोग आज भी वहीं खड़े हैं सारे किसान, गांव के गांव। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि आज परिवर्तन की लहर है और यह आवश्यक भी है। प्रजातंत्र में इस तरह से खाली अगर हम जुमलेबाजी से, गलत वादे से, झूठ से, फलाने से अगर हम चलते रहेंगे तो फिर लोकतंत्र का सही महत्व नहीं है। अब जो है, मैं तो लोकतंत्र के लिए उम्मीदवार, दो बातें हैं कि एक तो उम्मीदवार कैसा हो, एक सही
जो है ईमानदार हो, कैपेबल हो, उसमें क्षमता हो, पहली क्राइटेरिया ये होना चाहिए। दूसरा, पार्टी पॉलिसीज, पार्टी की नीतियाँ क्या हैं, हमारा एक समग्र विकास, ये दो ही तो लक्ष्य हैं, इन्हीं को देख करके निर्णय करना चाहिए। यही है, स्वधर्म के बाद राष्ट्र धर्म सबसे महत्वपूर्ण, तो राष्ट्र हित में, प्रांत के हित में हमें इन चीज़ों का ध्यान करके हमें निर्णय लेना चाहिए। अब ये जनता का निर्णय आपके सामने है। धन्यवाद, जय हिंद। संतोष जी, आज प्रवासी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, महेंद्र प्रताप जी को समर्थन दे रहे हैं, क्या प्रोग्राम था, कैसे लग रहा है कि बदलाव चाहते हैं जो पूर्वांचल के लोग हैं या प्रवासी हैं, क्या कुछ चाहते हैं, आज बाबू जी को समर्थन दे रहे हैं? देखो, एक तो हमारा टीम इंडिया है, उसके साथ में हमारा समर्थन पूरा है। बाकी रहे, देखो, प्रवासी समाज बड़ा दुखी है। 10 साल से प्रवासी समाज ने भाजपा का साथ दिया। प्रवासी समाज के जो बच्चे हैं वो बूथों पर बैठे, उन्होंने इतने ज़्यादा मतदान से बीजेपी का जो सांसद है, मंत्री हैं, उनको इतना जितवाया कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना इतिहास रचा। लेकिन उनके बच्चों की नौकरी नहीं लगी, उनके घर मकानों का कब्जा किया गया, और यहाँ तक कि जो झुग्गी झोपड़ी में जो बेचारे गरीब मजदूर तबके के लोग रहते हैं उन्हें तोड़ा गया और वापस उनको बिहार और यूपी भेजा गया। जब छठ पूजा थी उस समय भी कई बेचारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके घरों में शादियाँ थीं, उनका घर मकान तोड़ दिया गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। जिन्होंने आवाज़ उठाई उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। तो आज समय लोकतंत्र के अंदर 5 साल में एक मौका होता है बदला लेने का, तो इस बार प्रवासी समाज जाग चुका है और उन्होंने निर्णय लिया है कि प्रवासी समाज का एक भी आदमी भाजपा सरकार के साथ सहयोग नहीं करेगा। सभी लोग एकजुट होकर जिस